स्वागत है एक और वीडियो में। तो ये पिछले वीडियो का पार्ट टू है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि सबसे कम कॉस्टिंग में, लो इन्वेस्टमेंट में आप प्रिंटिंग का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए। तो सबसे पहले आपको जो प्रिंटिंग का काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। सबसे पहले पहली काम होती है डिजाइनिंग, क्योंकि कोई भी काम आप करेंगे, ऑर्डर लेंगे, प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले उसकी डिजाइन बनाई जाती है, उसके बाद उसका मास्टर निकाला जाएगा अगर आप साइड में जाएंगे, और उसके बाद वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर आप डिजाइनिंग सीख सकते हैं तो सबसे पहले पीसी होना चाहिए आपके पास। तो हम लोग बात करेंगे पीसी की। पीसी की पिछले वीडियो हमने बताया था 30,000 से 50,000 तक का पीसी आपको खरीदना पड़ेगा, या तो आपके पास लैपटॉप हो, हल्का पीसी भी है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम वर्जन का कोरल ड्राइव स्टोर करके आप काम चला सकते हैं। X3 पे आप काम कर सकते हैं जो लाइट होता है बहुत, और आराम से आप काम भी करते रहेंगे। सबसे पहले बात होगी पीसी की। पीसी के बाद आपको क्या होगा कि जो आपकी मशीनें हैं, ये रही ये, जिनसे कि काम प्रोसेस होता है, कम से कम एक मशीन आपके पास होनी चाहिए। तो मल्टी कलर ऑफसेट मशीन बताई थी आपको, इसकी 2 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, तो इसको लेना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आती है आपकी सिंगल कलर ऑफसेट मशीन। अगर आप पुरानी मशीन में जाएंगे तो 1 या 2 के आसपास मिल जाएगी आपको। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। YouTube पे कई सारी वीडियो है जिनसे आप स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे करते हैं, वीडियो देख के और आप सीख सकते हैं। तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आती है डिजिटल ऑफसेट मशीन। अब क्या करना है, अब आगे की कहानी बताते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आया और उसने आपको विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर दिया, तो आपके पास ये मशीन तो है नहीं, आप विजिटिंग कार्ड कैसे बना के देंगे। इसके लिए क्या होता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में कोई ऑर्डर लेते हैं तो विजिटिंग कार्ड को डिजिटल ऑफसेट के जरिए प्रोसेस करा के दे सकते हो। ये हर बड़ी सिटी में कहीं ना कहीं लगी होगी, आप जिस भी जिले में रहते होंगे, जैसे कि हमारे आसपास पड़ता है कानपुर, तो कानपुर में मिलेगी आपको, झांसी में मिलेगी, आगरा में मिलेगी, इटावा में है, औरैया में है। तो जिस भी जिले, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी रहते हो ऑल इंडिया में, तो आपके जो नियरेस्ट जो बड़ी सिटी होगी वहाँ पर ये मशीनें लगी रहती हैं, और एजेंट के तौर पर आप काम करवा सकते हैं। जैसे एक सीट का अगर आप कस्टमर से चार्ज करते हैं तो 20 रुपये के आसपास, बट आप जब यही सीट आप मशीन से प्रिंट करवाएंगे तो ये सीट आपको 10 से 12 रुपए की कॉस्टिंग में पड़ेगी। तो जो बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट है। यानी कि आपके पास मशीन भी नहीं है, आपने डिजाइन बनाई, आपने यहाँ से डिजाइन बनाई, डिजिटल ऑफसेट मशीन वाले को भेज दी, उसने आपको प्रोसेस करके दे दिया, और आप कट करके कस्टमर को दे सकते हैं। दूसरा तरीका है जो विजिटिंग कार्ड 1,000 क्वांटिटी में छपते हैं, इनके लिए हर जिले में कोई ना कोई एजेंट होता है, तो एजेंट के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आप अगर कस्टमर को देंगे तो कस्टमर का जो मार्केट रेट है 400 से 500 चल रहा है अभी नॉर्मल विजिटिंग कार्ड का, और अगर आप विजिटिंग कार्ड को किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो एजेंट आपसे लेगा कम से कम 300 रुपये। तो जो बीच का प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर जो है, विजिटिंग कार्ड जो मल्टी कलर जो आपसे प्रिंट होता है, तो एजेंट के थ्रू आप, बीच में एक एजेंट होगा कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई होता है, तो आप पता करके उनका नंबर लेके उनको मेल करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से पोस्टर पंपलेट, ये भी आपके मल्टी कलर में एजेंट के थ्रू आप करवा सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है तो। स्टीकर में भी यही प्रोसेस होती है। इन्विटेशन कार्ड, जो कम क्वांटिटी में इन्विटेशन कार्ड, जैसे किसी को मान लीजिए 7-5 साइज में 8-5 साइज में 100 या 200 डिस्टिंग कोई इन्विटेशन कार्ड है, उद्घाटन है किसी का शोरूम का या कुछ भी कोई शॉप का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी डिजाइन बनाएंगे पहले, और डिजाइन बनाने के बाद डिजिटल ऑफसेट मशीन इससे प्रोसेस करा के एक शीट में कितना आ रहा है देख के आप और प्रिंट करवा के कस्टमर को दे सकते हैं। प्रिंटिंग में सबसे जरूरी, जो सबसे बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है, जो लोग काम स्टार्ट करें नए, कभी भी मैटर को अपने मन से छाप के कस्टमर को नहीं दें। जब तक कस्टमर से कंफर्म ना करा लें कि ये सही है, तब कस्टमर से कंफर्म कराने के बाद एक बार खुद भी चेक कर लो, इसके बाद ही प्रोसेस करें, क्योंकि प्रिंट लाइन में जो भी गलत होता है वो सीधा रद्दी में जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट में जाए तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। शादी कार्ड, तो जो आपको बताई दिया, शादी कार्ड स्क्रीन प्रिंटिंग से आप करवा सकते हैं, सिंगल कलर की ऑफसेट मशीन से कर सकते हैं, और डिजिटल ऑफसेट मशीन से अगर कलर में कार्ड चाहिए तो डिजिटल से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है तो आप स्क्रीन तो कर ही सकते हैं, और अगर आपके पास सुविधा है, कोई आपके आसपास कोई सिंगल कलर ऑफसेट मशीन चला रहा है एजेंट के तौर पर, तो आप उसको दे के, वो आपसे लगभग 200 या 250 रुपये चार्ज करते हैं जॉब का, तो आपको 100-200 कार्ड जो भी आपके प्रिंट करके दे देंगे, तो आपको उसमें से बिना इन्वेस्टमेंट के, यानी कि आपसे पैसा कितना लगा कुछ भी नहीं, आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया, आपने इनको पैसा दिया, उन्होंने छाप के आपको दे दिया, आपने कस्टमर को वापस दे दिया, तो उससे क्या होगा, 20 का जो प्रॉफिट
रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, बट जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपको मिल जाएगा बिना इन्वेस्टमेंट के। तो ये था प्रिंटिंग का शेड्यूल, कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको समझ में ना आया तो यहाँ पे एक बना देते हैं कस्टमर। कस्टमर आया आपके पास प्रिंट करवाने के लिए, आपने किसी दूसरे एजेंट के थ्रू आपने उसको प्रिंट प्रिंट के लिए दे दिया, तो एजेंट प्रिंट करके फिर से आपको देगा वापस, यही वापस आपको कस्टमर को फिर से रिटर्न। प्रिंट जब आ जाती है तो वापस कस्टमर को दे देना है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका रहेगा, कम रहेगा थोड़ा सा बट रहेगा। तो एक पार्ट हमारी इस वीडियो में और रहेगा कि जो जो प्रोडक्ट आपको बताए थे वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो अभी इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, एक एक करके आपको लाइव दिखाएंगे।